वेलकम टू माई चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेज पास्ता की रेसिपी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 4 कप पानी लिया है। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इसे हम बॉईल कर लेंगे थोड़ा। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 200 ग्राम पास्ता लिया है और मैंने यहाँ गैस का फ्लेम हाई पे रखा है। पास्ता को हम 4 to 5 मिनट्स के लिए बॉईल करेंगे। नाउ यहाँ मेरा पास्ता बॉईल हो चुका है। पास्ता को हम ओवर कुक नहीं करेंगे। सो अब हम इसे छन्नी के हेल्प से इसका जो एक्सेस वाटर है उसे हम निकाल देंगे और फिर इसे हम साइड में रख देंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है। अब मैं इसके अंदर लहसुन डाल रही हूँ, हरी मिर्च, इन दोनों को मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ कांदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ गाजर। इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। नाउ यहाँ ये दोनों अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ 4 टमाटर को बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और नमक डालने के बाद टमाटर काफ़ी जल्दी जल्दी पक जाता है। नाउ मेरा यहाँ टमाटर पक चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम लास्ट में ऐड करें बिकॉज ये काफ़ी जल्दी पक जाता है, इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। नाउ ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता जो कि हमने बॉईल करके रखा था। टू टेबलस्पून टमेटो सॉस ऐड करेंगे अब इसके अंदर हम। टू टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करेंगे। मेयोनीज ऐड करने से ये काफ़ी क्रीमी बनता है। अब हम इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो नाउ ये सब यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। नाउ ये अब रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। नाउ आप देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। एक्चुअल में ये टेस्टी है भी खाने में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।